So hello students, in this video I am going to discuss about the height of instrument method of labeling. So what is the height of instrument method? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा कि बेसिक कैलकुलेशन हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैथड में किस तरीके से करते हैं और इसमें रीडिंग्स कैसे आती हैं. तो सपोज़ आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कोई स्टेशन है या ग्राउंड है, एक नॉर्मल लोकेशन है, नॉट अ स्टेशन सुडाई से. तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और ये जो है कुछ इस तरीके से ग्राउंड है, इसका आपको लेवल मेजर करना है, लाइक है ना यहाँ पे. तो सबसे पहले आपने आपको पता है कि आपका जो बेंचमार्क है वो कुछ इस लोकेशन पे आपका बेंचमार्क आ रहा है. ओके, तो ये आपका बेंचमार्क है और बेंचमार्क है जो कि आपका आरएल गिवन है आपको, सपोज 100 मीटर एट दिस लोकेशन. सो आरएल इज़ गिवन. नाउ अब आपको इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसकी रीडिंग आपको बतानी है सपोज. तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले जो आपका स्टाफ है उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके खड़े हो जाओगे. तो यहाँ पे जो आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है इस स्टेशन पे, यहाँ पे आपको आरएल पता है, स्टाफ आपने उसी स्टेशन पर रखा, इसको स्टेशन ए नाम दिया हमने, स्टेशन ए या फर्स्ट पॉइंट. तो यहाँ से अगर मैं इसको इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से आई ऑफ साइट को देखूं तो ये करीब सपोज रीडिंग दे रही है यहाँ पे 2.005. सपोज ये रीडिंग आ गई एग्जांपल 2.005, मतलब इसका जो स्टाफ का जो अभी इस वाले पॉइंट से हाइट आ रहा है ये 2.005 है. तो क्या हुआ, ये आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गई विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, और ए पॉइंट जो है आपका फर्स्ट पॉइंट है जो कि अब हम लोग अगर रीडिंग की बात करें साथ के साथ में, तो रीडिंग हो अगर रीडिंग के लिए सबसे पहले एक टेबल मैं बना लूँगा, उस टेबल में बैक साइट, इंटरमीडिएट साइट एंड फोर साइट, ये तीनों साइट लिख के रखूँगा. देन आप अगर हम लोग एच आई की बात कर रहे हैं तो एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन आर एल, आर एल, ये पांच चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम उस टेबल में लिखेंगे. तो आर एल जो है फर्स्ट पॉइंट का, स्टेशन ए का आर एल जो है यहाँ पर दिया हुआ होगा कि आर एल स्टेशन ए का 100 मीटर है, आर एल इन मीटर 100 मीटर है. अब आपको आर एल अगर 100 मीटर स्टेशन ए का पता है और आपने जब रीडिंग ली तो ए आपकी ए स्टेशन पे रीडिंग आ रही है 2.005, वो रीडिंग को आपने बैक साइड में लिखा. ओके, तो वहाँ से अगर आप आर एल और बैक साइड को ऐड कर दोगे तो आपके पास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जा रही है 102.005. इस तरीके से ये आ गई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तब तक रहेगी जब तक कि स्टेशन को इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा के दूसरी जगह रखना दें. तो नाउ ए स्टेशन, अब मैं स्टाफ रखता हूँ बी पे, बी जो है कुछ थोड़ा सा हाइट पे है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे स्टाफ रखा बी स्टेशन पे, ये बी स्टेशन हुआ. अब वापस ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो इसके रिस्पेक्ट में वो तो वही रहेगी. अब बी पे जब स्टाफ रखा तो मुझे अब अपोजिट चल के, रिवर्स चल के इसका आरएल फाइंड आउट करना है, इसका आरएल मतलब बी जो स्टेशन है उसका आरएल मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज़ माय टास्क. तो बी पे सपोज जब हमने स्टाफ रखा तो यहाँ पे रीडिंग आती है 1.500. ओके, सो अगर बी पे, अगर मैं बी को इंटरमीडिएट साइड लूँ तो बी पे मेरी रीडिंग आ गई 1.500. अब बी पे अगर मुझे रीडिंग पता है तो मैं इस वाली, ये वाली हाइट पता है और ये वाली रीडिंग पता है, सो आई कैन कैलकुलेट द आर एल एट द एट लोकेशन बी. तो बी पे आर एल कितना हो जाएगा, बी पे आर एल हो जाएगा एच आई माइनस इंटरमीडिएट साइड इज इक्वल टू आर एल एट बी. तो ये हो जाएगा 102.005 - 1.500. तो बेसिकली दिस इज द आर एल 100.505. तो आप लोग देख रहे हो, नाउ यू कैन सी इस वाले पॉइंट का जो आर एल आ रहा है वो इस पॉइंट से कुछ ज़्यादा आ रहा है. तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी जीरो, किसी भी लाइन को रेफरेंस लाइन है, 00 लाइन मान लो, तो वहाँ से ये वाला 100 मीटर पे है तो ये 100.5 मीटर पे है, मतलब उससे थोड़ा ऊपर है. तो इस तरीके से हम लोग आर एल कैलकुलेट करेंगे. ओके, अब सपोज स्टाफ को रखा मैंने सी लोकेशन पे, अगर मैं सी लोकेशन पे स्टाफ रखता हूँ तो वापस से ये नीचे जा रहा है, वापस से नीचे जा रहा है, इससे भी नीचे. सपोज यहाँ पे एच आई तो वो फिक्स है जब तक हम लोग इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर रहे, तो अगर मैं यहाँ पे स्टाफ देख रहा हूँ तो ये रीडिंग आ रही है हमारी ज़्यादा आ रही है 2.500 सपोज. तो 2.50 वापस इसको मैं इंटरमीडिएट साइड में लिखता हूँ, इंटरमीडिएट साइड में हम लोग तब तक लिखते रहेंगे
जब तक कि मैं इंस्ट्रूमेंट को चेंज ना करने वाला हूँ या फिर अपने पूरे काम को जहाँ पे फिनिश करना हो मुझे। तो अगर मैं इंटरमीडिएट साइड को सी पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे, तो वापस से ये कितना 2.500। अब एच आई तो हमारी फिक्स है, एच आई माइनस दिस इज इक्वल टू द आर एल ऑफ सी। तो ये हो गया एच आई 102.005, 102.0, यू कैन सी हियर 102.005 माइनस माइनस 2.500, 2.500। सो दिस इज द रिड्यूस लेवल एट दिस लोकेशन 99.505। सो दिस इज द आर एल एट पॉइंट सी। सपोज एट दिस पॉइंट इज द माई फाइनल पॉइंट, फाइनल स्टेशन डी। सो आई राइट हियर डी एंड आई कैलकुलेट द, आई राइट द रीडिंग इन द फोर साइड नाउ बिकॉज दिस इज द लास्ट रीडिंग। इफ दिस इज माई लास्ट रीडिंग देन आई हैव टू राइट हियर। तो अगर यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें पता है, तो इस पे सपोज रीडिंग आई जब मैंने यहाँ से इसको बाइसेक्ट किया, तो ये रीडिंग आ रही है लाइक सपोज 1.305। ओके, सो दिस रीडिंग आई हैव टू राइट इन फोर साइड 1.305, करेक्ट। नाउ एच आई माइनस, नाउ एच आई इज द फिक्स, एच आई हमारी फिक्स है अभी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की हाइट है इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में जो कि हमें बेंच मार्क गिवन है। ये फर्स्ट आर एल को ही हम लोग बेंच मार्क बोलते हैं, बेंच मार्क। यहाँ पर रिमार्क का एक कॉलम भी रहता है जनरली, तो वहाँ पर बेंच मार्क या चेंज पॉइंट वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग समराइज करते हैं। तो अगर मैं डी पॉइंट की बात करूँ, तो डी पॉइंट पर आ जाएगा हमारा एच आई माइनस, एच आई कितना हुआ 102.005 माइनस कितना हुआ 1.305। ओके, सो दिस इज द 100.7 मीटर। सो दिस इज द आर एल एट दिस लोकेशन। सो दिस इज नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लेवल एलिवेशन ऑफ दीज टू पॉइंट्स, मतलब मुझे ये डिफरेंस निकालना है। सपोज ये डेल्टा एच है, तो कितना हो जाएगा लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, तो 100 माइनस ए, तो ये हुआ हमारा 0.7 मीटर हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग चेक लगा के अभी देखेंगे पूरा, चेक किस तरीके से लगाते हैं, तो चेक क्या होता है, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। सो इस तरीके से हमारा चेक लगेगा। तो समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो समीशन ऑफ बैक साइड, अगर मैं समीशन ऑफ बैक साइड करूं तो कितना हुआ 2.005, करेक्ट। और समीशन ऑफ फोर साइड हुआ 1.305, करेक्ट। लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल हो रहा है हमारा, दिस इज 0.7। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये कितना हो रहा है 1.305 माइनस 2.005। सो दिस इज द 0.7। ओके, लास्ट आर एल मतलब समीशन ऑफ बैक साइड, दिस इज द फॉर्मूला द बेसिक, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, फर्स्ट आर एल। सो ओके, सो नाउ आई शो यू द डिफरेंस इज समीशन ऑफ बैक साइड, ओके दिस इज द दिस एंड समीशन ऑफ फोर साइड फाइनली दिस एंड नाउ आई राइट हियर 0.-0.7 यू कैन सी हियर एंड इज इक्वल टू लास्ट आर एल इज दिस। सो तो इस तरीके से आपका ये जो रीडिंग आ गई -0.7 इज इक्वल टू 0.7। तो ये एक तरीके से मॉड वैल्यू, हम लोग इसको मॉड वैल्यू कंसिडर करेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लस माइनस साइन। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट रीडिंग। अगर एक चीज़ और जो है, अगर मैं इस वाले पॉइंट के आगे अपना वर्क कंटिन्यू करता हूँ, मतलब इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा के किसी दूसरी लोकेशन पे सपोज मैं शिफ्ट करता हूँ, वापस से मैंने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे लगाया, ओके, और यहाँ पे लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से बहुत एक ट्रेंच है, तो मैं इस तरीके से स्टाफ को रखना चाह रहा हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, दिस विल बी दर चेंज पॉइंट, चेंज पॉइंट ऑल्सो नॉन एज टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट और चेंज पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर साइड के बाद में दोबारा से रीडिंग आती है, और फिर उस कंडीशन में जो रीडिंग आएगी हमारी, वो रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट रीडिंग अगेन बैक साइड में। तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस चलेगा। एंड तो इसके बाद वाले, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा
एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से. थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. मैं आगे भी इसी तरीके के कुछ और वीडियोस और भी लेक्चर्स पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.